नमस्कार, पलपल टॉप 10 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूपी के सीएम की राह पर चल पड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले आरोपियों के घर मकान किए जाएंगे जमीन दोष। सड़क पार कर रहे एक युवक को अज्ञात चार पहिया वाहन ने कुचला, हुई मौत। छोटी लाइन स्थित शंकराचार्य चौक के पास हुआ हादसा। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर करोड़ों कमाने वाले भू माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का चला बुलडोजर। टेढ़ी नीम और बहोरा बाग में 2,30,00,000 की भूमि कराई गई कब्जा। नगर निगम के लाइसेंस अनुज्ञप्ति शाखा बाजार विभाग द्वारा दुकान संचालकों के लाइसेंस का हो रहा है नवीनीकरण। नई बस्ती कछवारा गोरा बाजार में रहने वाले राजेश अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई मदद की गुहार। कहा, पत्नी की प्रताड़ना से मानसिक रूप से हो रहा है प्रताड़ित। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कहा, टैक्स के रूप में लोगों को लूट रहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कव्वाल शरीफ परवास के कथित बयान के खिलाफ मामला हुआ रजिस्टर्ड। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रवाद की खिलाफत बर्दाश्त नहीं। शहर के युवा कलाकार धीरेन्द्र पाखोरिया ने नेशनल लेवल के फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेकर शहर का नाम किया रोशन। कई जुझारू कलाकारों को दी प्रेरणा और आशा की किरण। तेज धूप पर गर्म हवाओं ने लोगों को कराया बेचैनी का एहसास। मार्च माह में महसूस हो गई अप्रैल और मई जैसी गर्मी। हाथों में भगवा ध्वज झूमते गाते और जयकारे लगाते युवाओं ने निकाली अनूठी गदा यात्रा। प्रतीक स्वरूप विशाल गदा बना आकर्षण। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ।